ओके, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम टू द वीडियो सीरीज ऑफ बिजनेस लॉ एंड टैक्सेशन। इन दिस वीडियो वी विल बी स्टार्टिंग लॉ ऑफ कैरिजेज ऑफ गुड अंडर सी, यानी बाय सी अगर आप कैरियर के तौर पे बिजनेस इनिशिएट करते हैं तो व्हाट आर द टर्म्स, व्हाट टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स आर देयर। तो सबसे पहले हम स्टार्ट लेते हैं ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अफरेजमेंट, ये क्या है। इट इज़ एन कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन अ शिप ओनर एंड कंसाइनर वेयर द शिप ओनर एग्रीज टू कैरी कार्गो विद इन स्पेसिफाइड टाइम इन रिटर्न ऑफ स्पेसिफाइड फ्राइट। यानी बेसिकली मैं कहूँगा कि जिस तरीके से कॉमन कैरियर या प्राइवेट कैरियर के बारे में पिछली वीडियोज़ में आपने सुना कि बाई रोड अगर आप लेके जा रहे होते हैं तो उसके लिए लॉ ऑफ कैरिजेज अप्लाई हो रहा होता है बाई रोड, और उसकी डिफरेंट टर्मनोलॉजीज़ के कॉमन कैरियर क्या होता है, प्राइवेट कैरियर क्या होता है। तो जब आप बाई सी आप डिस्कस कर रहे होंगे, बाई सी के अंदर जो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा होगा उस कॉन्ट्रैक्ट को टेक्निकली क्या कहेंगे, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अफरेजमेंट का मतलब आप एग्री कर रहे हैं कि बाई सी आप क्या कर रहे होंगे, गुड्स कैरी कर रहे होंगे, सही है। अच्छा, अब अगर इसकी बात करते हैं तो इसकी दो ही टाइप्स हैं। पहली टाइप्स क्या है, चार्टर पार्टी, और दूसरी टाइप क्या है, बिल ऑफ लेडिंग। अगर मैं इसको बहुत व्हाइट बोर्ड ब्लैक बोर्ड स्टाइल में करूँ तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अफरेजमेंट की दो टाइप्स हैं, सही है। एक क्या है, चार्टर पार्टी, और एक है बिल ऑफ लेडिंग। अब इन दोनों में फ़र्क क्या है, भाई सीधी सी बात है, मुझे सामान ट्रांसफ़र करना है बाई सी, ये सिंपली बाई सी जो मैं कॉन्ट्रैक्ट करूँगा वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अफरेजमेंट कहलाएगा। लेकिन बाई सी में दो तरीक़ों से कर सकता हूँ, पूरा का पूरा जहाज़ उठा लूँ, सही है, यानी चार्टर्ड पार्टी फुल शिप की बात कर रहा है, पूरा जहाज़ उठा लूँ तो उस कॉन्ट्रैक्ट को क्या कहेंगे, चार्टर पार्टी कहेंगे। नहीं सर, पूरा जहाज़ नहीं, मेरा एक कंटेनर बहुत है, एक जहाज़ के अंदर देखा जाए तो 400-500 कंटेनर भी आ सकते हैं, 50-60 भी आ सकते हैं। नहीं भाई, मेरा एक ही कंटेनर है जो कि मुझे चाइना से मंगवाना है, तो इस सिचुएशन में क्या मुझे पूरा जहाज़ करना चाहिए, नहीं। तो वो टेक्निकली किस में कहलाएगा, बिल ऑफ लेडिंग में। यानी मैं क्या करूँगा, एक शिप ओनर को कॉन्टेक्ट करूँगा, शिप ओनर को कॉन्टेक्ट करूँगा, ठीक है, कि भाई तुम यहाँ से लेकर यहाँ तक जा रहे हो, ऐसा करो तुम्हारे पास 50 कंटेनर की जगह है, मेरे दो कंटेनर भी लेके चले जाओ। तो जो अब मैं शिप ओनर के साथ, सही है, कंसाइनर जो कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ठीक है, वो कॉन्ट्रैक्ट टेक्निकली क्या कहलाएगा, बिल ऑफ लेडिंग। लेकिन मैं कहता हूँ नहीं भाई, मैं छोटा मोटा बिजनेसमैन नहीं हूँ, दो कंटेनर नहीं है मेरे, पूरे 100 कंटेनर मुझे चाहिए। तो हो सकता है मुझे एक बड़ा शिप, लार्ज शिप मिल जाए, तो उस शिप के ओनर से जो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूँगा वो टेक्निकली क्या कहलाएगा, चार्टर पार्टी। तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अफरेजमेंट दो टाइप के होते हैं, एक चार्टर पार्टी और एक बिल ऑफ लेडिंग, ठीक है। अच्छा, अब इसी पे बात है, चार्टर पार्टी में भी टाइप्स हैं, क्या टाइप्स हैं, वॉयज चार्टर। वॉयज चार्टर क्या है, सही है, वो मिसाल के तौर पे डेस्टिनेशन बेस्ड है। डेस्टिनेशन बेस्ड का मतलब क्या है, फॉर एग्जांपल वो बोलेगा कि हाँ आपको जहाज़ चाहिए चाइना से पाकिस्तान बाई सी। अच्छा, हालांकि ये बहुत लंबा रूट पड़ेगा, मुझे कोई और अच्छी एग्जांपल देनी चाहिए, लेट से इंस्टेड ऑफ चाइना ज़्यादा बेहतर है, यस टर्की की बात करते हैं, सही है। तो टर्की टू पाकिस्तान बाई रोड, नहीं भाई बीच में ईरान अफगानिस्तान वगैरह के मसले हैं, तो टर्की टू पाकिस्तान बाई रोड अगर आप जाना चाहते हो, कोई पूरा जहाज़ यहाँ से यहाँ पे जाएगा और वापस लेकर आएगा। अब मेरी मर्ज़ी में खाली लेके जाऊँ, मेरी मर्ज़ी में उसको फुल लोड करके जाऊँ, जाहिर सी बात है डूबने का ख्याल रखेंगे अपने साथ साथ कुछ भी चीज़ें, तो उस तरह के जहाज़ के किराए पर लेके जाने को वॉयज चार्टर कहते हैं, ठीक है। अच्छा, इसका दूसरा क्या है, टाइम चार्टर। टाइम चार्टर क्या कहता है कि वो टाइम बेस्ड है, वो कहते हैं कि भाई 2 महीने के लिए जहाज़ चाहिए, अब 2 महीने के लिए पाकिस्तान से टर्की भाई 10 दफ़ा जाऊं, 1 दफ़ा जाऊं, 50 दफ़ा जाऊं, तुम्हें इसकी फिक्र नहीं होनी चाहिए, मुझे टाइम पीरियड बेसिस पे चाहिए, पूरा जहाज़ चाहिए, ठीक है। तो वो टेक्निकली क्या कहलाएगा, टाइम चार्टर कहलाएगा, ठीक है। तो वॉयज चार्टर और टाइम चार्टर हो गया। अच्छा, चार्टर बाई डिमाइस का मतलब क्या है, इसमें क्या होता है, जहाज़ तो हायर किया जाता है लेकिन उसके अंदर टेक्निकलिटीज़ इशू ये है कि भाई मेरे पास कोई कैप्टन नहीं है, मैं तुम्हें ही कैप्टन बना रहा हूँ, तुम मेरे साथ आ जाओ। अच्छा, वॉयज और टाइम में क्या होगा कि कैप्टन उनके साथ मस्ट आ रहा होता है,
चार्टर बाय डिमाइस के अंदर ये हो रहा होता है कि भाई कैप्टन भी मैं अपनी मर्जी से लगूंगा, तुम्हें साथ आने की ज़रूरत नहीं है। यानी शिप का ओनर जो कार्गो के लिए फैसिलिटेट प्रोवाइड कर रहा है, यानी जो क्रू है वो क्रू भी देखा जाए कंसाइनर खुद डिज़ाइन खुद हायर करेगा। वो बोलेगा भाई मुझे सिर्फ जहाज़ किराए पे चाहिए। तो चार्टर बाय डिमाइस भी टाइम और वॉयज के लिए भी हो सकता है, ये एक सब कैटेगरी है, लेकिन चार्टर पार्टी की दो मेन एग्जांपल क्या है, वॉयज। अच्छा, बिल ऑफ लेडिंग क्या है? सिंपली एक डॉक्यूमेंट है, और इस डॉक्यूमेंट के ज़रिए क्या करते हैं कि भाई मेरे साथ साथ दो, जिस तरीके से एक नॉर्मली क्या एक टर्म यूज़ की जा रही होती है बाय रोड, चले मैं इसको आप यूँ कह सकते हैं बिल्टी, हाँ बिल्टी वाली बात के तौर पे बहुत से लोग जो ट्रांसपोर्टेशन के तौर पे होते हैं, बाय रोड के लिए बिल्टी का वर्ड यूज़ किया जा रहा होता है, टेक्निकली बाय सी के लिए जो वर्ड यूज़ किया जा रहा होता है उसके लिए बिल ऑफ लेडिंग के टर्म यूज़ की जाती है। सो डेट्स ऑल फॉर इंट्रोडक्शन ऑफ कैरिजेस बाय गुड्स के कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अफ्रेजमेंट में दो टाइप्स हैं, एक चार्टर पार्टी होता है और एक बिल ऑफ लेडिंग होता है।